दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। फिलौर के नूरमहल रोड पर स्थित एक मनी चेंजर की दुकान पर दो नौजवानों द्वारा लूट की नाकाम कोशिश करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त लुटेरों ने दुकान में आकर दुकान मालिक से पिस्तौल की नोक पर लूट की कोशिश की, लेकिन दुकानदार की होशियारी के चलते उक्त लुटेरे अपनी कोशिश में नाकाम रहे। घटना के दौरान एक लुटेरे ने पिस्तौल से गोली चला दी, जो कि उसके दूसरे साथी लुटेरे को जा लगी, जिसकी वजह से वह घायल हो गया। घटना के बाद लुटेरों ने भागने की कोशिश की, मगर लोगों ने उन्हें काबू कर लिया और घटना की सूचना पुलिस को दी। लेकिन घटना की सूचना मिलने के बाद भी पुलिस लंबे समय तक घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिस पर गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ समय पश्चात जब डीएसपी फिलौर सरदार परमिंदर सिंह हीर व एसएचओ हरिंदर सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे, तो उनके द्वारा दोनों लुटेरों को काबू कर अपने साथ ले जाया गया, जिसके पश्चात एसपी देहाती हरकमलप्रीत सिंह खख ने घटना स्थल पर पहुंचकर दुकान मालिक हरमनदीप से घटना की जानकारी हासिल की और घायल लुटेरे को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, मगर लुटेरे की हालत नाजुक देखते हुए उसे जलंधर के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां पर आरोपी का इलाज किया जा रहा है। दो बंदे वेस्टर्न यूनियन लौट के भजे, जो रौली पई है लोगों ने पीछा किया, पीछा करने तो बाद बैठे नौकरी कोठियां दे उते। जो पुलिस ने 100 नंबर से फोन किया, 100 नंबर वाली ने जवाब की, नंबर से फोन किया, मैडम की आवाज आई, मैडम ने कहा तवीज ना बोलो, पौना घंटा हो गया अतवादियों गोलियां चलन दियां, लोगों ने घेरिया, कोई प्रशासन नहीं पहुंचा, पंजाब पुलिस का कोई बंदा नहीं आया, उस तो पौने घंटे बाद आया। उस तो बाद 100 नंबर वाली जी मैडम है वह गलत बोली है, उन्होंने तमीज नहीं आ। ਭਾਜੀ ਟੂ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਚਲੋ।